अब खबर आ रही है बदलापुर रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस और आरोपी अक्षय शिंदे के बीच फायरिंग, पुलिस की रिवॉल्वर छीन आरोपी ने गोली चलाई। आरोपी को जेल से लेकर जा रही थी पुलिस। अक्षय शिंदे ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर फायरिंग की। फायरिंग में आरोपी एक पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। तो अक्षय शिंदे ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर फायरिंग की है। फायरिंग में आरोपी और एक पुलिसकर्मी घायल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें हैं जब रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था स्कूल की छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, और उसके बाद लोगों का गुस्सा किस तरह से भड़का था। और ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां बदलापुर रेलवे ट्रैक पर लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए थे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस और आरोपी के बीच अब फायरिंग हुई है, जो जानकारी सामने आ रही है। बदलापुर रेप कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर आरोपी ने गोली चलाई है। आरोपी अक्षय शिंदे का पुलिस पर हमला। नीतीश शाह मुंबई से इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, इस मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए एक नया मामला जो है आरोपी के ऊपर वो दर्ज किया गया था उसकी पत्नी के तरफ से, और इसी सिलसिले में जो है पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड लेने पहुंची थी अक्षय शिंदे का सलोजा जेल के यहाँ पर। और उस समय जो है एक पुलिसकर्मी से जो है पिस्टल छीन कर उसके बाद उसने एक पीआई स्तर के अधिकारी के ऊपर जो है गोलीबारी की, जिसके बाद बचाव में पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी की गई है। इस पूरी घटना में आरोपी खुद भी जख्मी हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ जो है पीआई स्तर का जो अधिकारी है वो भी जख्मी हुआ है। फिलहाल दोनों को जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें पूरी घटना शाम 6:30 बजे की है जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है, और उसके बाद जो है फिलहाल पुलिस ने पहले जो है रोकने की कोशिश की अक्षय शिंदे को, जिस समय पे पुलिस के साथ जो है झड़प भी हुई, और उसी दौरान जब अक्षय शिंदे नहीं संभला तो उस समय पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जो है गोली चलाई। नीतीश, अब इस वक्त आरोपी जो अक्षय शिंदे है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है, और जो पुलिसकर्मी घायल हैं उनको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जिस वक्त अक्षय शिंदे को ले जाया जा रहा था, आरोपी को ले जाया जा रहा था, क्या पर्याप्त पुलिस प्रशासन की व्यवस्था वहां पर नहीं थी जो इस तरह की स्थितियां हो गई कि आरोपी जो है वो पुलिस की रिवॉल्वर छीन कर ही भागने लगा? देखिए जो रिवॉल्वर है वो एक कांस्टेबल की तरफ से जो है छीना गया था, और इन सब के बीच में जो एक पुलिस की प्रक्रिया होती है जब ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए जाते हैं किसी आरोपी के, उस समय पर जितने पुलिस कर्मियों की जरूरत होती है वो सब उस वक्त वहां पर तैनात थे। लेकिन आरोपी अक्षय शिंदे जो है उसने मौका देखते ही जो है पुलिस के से हथियार छीन कर उसने इस वारदात को जो है अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पीआई स्तर का अधिकारी और अक्षय शिंदे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, दोनों की स्थिति जो है वो नाजुक है। इस पूरे मामले पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पूरी घटना जो है हुई है। कितने बजे की ये पूरी घटना है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? ये पूरी घटना आपको बता दें शाम 6:30 बजे के करीब की है जब ट्रांजिट रिमांड जो है पुलिस आरोपी अक्षय शिंदे उसकी पत्नी के तरफ से जो है एक एफआईआर दर्ज कराया गया था डोमेस्टिक वायलेंस को और अलग अलग अन्य चीजों को लेकर, अलग अलग गंभीर धाराओं के तहत जो मामला दर्ज कराया गया था, और उसी के तर्ज पर जो है पुलिस यहां पर उसकी ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए पहुंची हुई थी। जिस वक्त पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे लेकर निकल रही थी उस समय मौका देखते ही उसने पुलिसकर्मी से जो हथियार छीना, और हथियार छीन कर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, उस बीच में पुलिसकर्मी के साथ जो है अक्षय शिंदे की झड़प हुई, लेकिन उस झड़प के बीच में अक्षय शिंदे ने जो है फायरिंग शुरू कर। इस खबर पर आप फिलहाल नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।